तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप गन टू के बारे में दोस्तों ये जो मूवी है दो के अंदर एक तरह से टॉप वन थी जिसने की इतना जबरदस्त कलेक्शन किया इसने एक तरह से जो टॉप मूवीज है उनमें भी ये नंबर वन आती है तो आज इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइक दबाकर दोस्तों अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं टॉप गन मेवरिक एक 2022 अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो जोसेफ कोसिंस की द्वारा निर्देशित और पीटर क्रेग और जस्टिन मार्क्स की कहानियों से एहरेन क्रूगर एरिक वॉरिन सिंगर और क्रिस्टोफर मैकक्वेरी द्वारा लिखित है यह फिल्म उन्नीस की फिल्म टॉप गन का सीक्वल है टॉम क्रूज ने नौसैनिक एविएटर मेवरिक के रूप में अपनी अभिनीत भूमिका दोहराई है यह जिम कैश और जैक एप्स जूनियर द्वारा बनाई गई मूल फिल्म के पात्रों पर आधारित है इसमें माइल्स टेलर जेनिफर कोनेली जॉन हैम ग्लेन पॉविल मोनिका बारबेरो लुइस पुलमैन एड हैरिस और वेल किलमर भी हैं जो अपनी भूमिका को दोहराते हैं हिमानव के रूप में कहानी में मेवरिक को एक खतरनाक मिशन के लिए अपने मृत सबसे अच्छे दोस्त के बेटे सहित युवा टॉप गन स्नातकों के एक समूह को प्रशिक्षित करते समय अपने अतीत का सामना करना पड़ता है पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 2010 में टॉप गन सीक्वल के विकास की घोषणा की गई थी निर्माता जेरी ब्रुखाइमर और निर्देशक टोनी स्कॉट के साथ टॉम क्रूज को वापस लौटने के लिए कहा गया क्रेक ने 2012 में पटकथा का एक मसौदा लिखा था लेकिन उस वर्ष बाद में स्कॉट की मृत्यु हो जाने से परियोजना रुक गई छह टॉप गन मेवरिक को बाद में स्कॉट की स्मृति में समर्पित कर दिया गया सात कोसिंसकी को निर्देशन के लिए नियुक्त किए जाने के बाद 2017 में उत्पादन फिर से शुरू हुआ प्रिंसिपल फोटोग्राफी जिसमें आईमैक्स प्रमाणित छः के फुल फ्रेम कैमरों का उपयोग शामिल था मई 2018 से अप्रैल 2019 तक कैलिफोर्निया वाशिंगटन और मैरीलैंड में हुई यह पहले 12 जुलाई 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन इसके जटिल एक्शन दृश्यों और बाद में कोविड 19 महामारी के कारण इसमें कई बार देरी हुई महामारी के दौरान कई स्ट्रीमिंग कंपनियों ने पैरामाउंट से फिल्म के स्ट्रीमिंग अधिकार खरीदने का प्रयास किया लेकिन क्रूज के आदेश पर सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया जिन्होंने जोर देकर कहा कि इसे विशेष रूप से सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए आठ टॉप गन मेवरिक का प्रीमियर 28 अप्रैल 2022 को सिनेमाकॉन में हुआ और 27 मई 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों द्वारा सराहा गया कई लोगों ने इसे पहली फिल्म से बेहतर माना नौ इसने नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और अमेरिकी फिल्म संस्थान द्वारा इसे 2022 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक नामित किया गया टॉप गन मेवरिक को पचानवे वे अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित में छह पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार मिला और कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए फिल्म ने दुनिया भर में एक दशमलव चार नौ छह बिलियन डॉलर की कमाई की जिससे यह 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और क्रूज के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई एक अगली कड़ी विकास में है दस कथानक टॉप गन से स्नातक होने के 30 से अधिक वर्षों के बाद ए यूनाइटेड स्टेट्स नेवी कैप्टन पीट मेवरिक मिशेल एक सम्मानित परीक्षण पायलट हैं जिनकी बार बार की अवज्ञा ने उन्हें फ्लैग रैंक से दूर रखा है बी जब रियर एडमिरल चेस्टर हैमर कैन ने हाइपरसोनिक डार्क स्टार स्क्रैमजेट कार्यक्रम को रद्द करने की योजना बनाई तो मेवरिक इस आधार पर, पर परीक्षण कर रहा है कि यह मैक 10 के अनुबंध विनिर्देश तक नहीं पहुंचा है मेवरिक ने एक तरफा रूप से उस दिन के परीक्षण के लिए लक्ष्य गति को बदल दिया मैक 9 से मैक 10 तक और कैन का वो गलत साबित करने के लिए परीक्षण जल्दी शुरू करता है परीक्षण उड़ान के दौरान मेवरिक सफलतापूर्वक डार्क स्टार प्रोटोटाइप में मैक 10 तक पहुंच गया हालांकि प्रोटोटाइप विमान तब नष्ट हो जाता है जब मेवरिक अपनी एयर स्पीड को मैग 10 से आगे बढ़ाने का विरोध नहीं कर पाता है उड़ान के बाद कैन ने मेवरिक से कहा कि अगर मेवरिक के दोस्त और पूर्व टॉप गन प्रतिद्वंद्वी एडमिरल टॉम आइसमैन कजानस की नहीं होते तो उसे जमीन पर उतार दिया जाता आइसमैन जो अब यूएस पैसिफिक फ्लीट का कमांडर है ने मेवरिक को एनएएस नॉर्थ आइलैंड के टॉप गन स्कूल में नियुक्त किया है नौसेना को एक गैर स्वीकृत यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को चालू होने से पहले नष्ट करने का आदेश दिया गया है घाटी के अंत में एक भूमिगत बंकर में स्थित संयंत्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों एसएम जीपीएस जैमर और पांचवीं पीढ़ी के एसयू सत्तावन लड़ाकू विमानों के साथ साथ पुराने एफ चौदह टॉमकैट्स द्वारा संरक्षित है मेवरिक ने लेजर निर्देशित बमों से लेस एफ बटा ए अठारह ई बटा एफ सुपर हॉर्नेट के दो जोड़े को नियोजित करने की योजना तैयार की है लेकिन हड़ताल में भाग लेने के बजाय उसे एयरबॉस वाइस एडमिरल ब्यू द्वारा इकट्ठे किए गए शीर्ष गन स्नातकों के एक विशिष्ट समूह को प्रशिक्षित करना है चक्रवात सिंपसन मेवरिक अपने शक्की छात्रों से डॉगफाइट करता है और हर प्रतियोगिता में जीत हासिल कर उनका सम्मान जीतता है दो छात्र आपस में भिड़ गए लेफ्टिनेंट जेक जल्लाद सेरेसिन और ब्रैडली रूस्टर ब्रैडशॉ मेवरिक के मृतक सबसे अच्छे दोस्त और आरायो निक गूस ब्रैडशॉ के बेटे रोस्टर को जल्लाद का घुड़सवार रवैया नापसंद है जबकि जल्लाद रूस्टर की सतर्क उड़ान की आलोचना करता है मेवरिक पूर्व प्रेमिका पेनी बेंजामिन के साथ फिर से जुड़ता है जिसे वह बताता है कि उसने रूस्टर की मरती हुई माँ से वादा किया था कि रूस्टर पायलट न ही बनेगा मुर्गा वादे से अनभिज्ञ गुस्से में मेवरिक द्वारा उसके नौसेना अकादमी के आवेदन को रोकने उसके सैन्य करियर में बाधा डालने के लिए नाराज होता है और उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी ठहराता है मेवरिक रूस्टर के करियर में और हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है लेकिन विकल्प उसे बेहद खतरनाक मिशन पर भेजना है वह अपने संदेह आइसमैन को बताता है जिसे गले का अंतिम कैंसर है आइसमैन उससे कहता है यह जाने देने का समय है और उसे आश्वस्त करता है कि नौसेना और रोस्टर दोनों को मेवरिक की जरूरत है इसके तुरंत बाद आइसमैन की मृत्यु हो जाती है और प्रशिक्षण के दौरान एफ बटाए अठारह एफ के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद साइक्लोन ने मेवरिक को प्रशिक्षक के पद से हटा दिया वह मिशन के मापदंडों में ढील देता है ताकि उन्हें निष्पादित करना आसान हो जाए लेकिन बच निकलना अधिक कठिन हो जाता है चक्रवात की घोषणा के दौरान मेवरिक मूल से भी सख्त मापदंडों के साथ पाठ्यक्रम के माध्यम से एक अंधिकृत उड़ान बनाता है और बिना विंगमैन के लक्ष्य को मारता है यह साबित करता है कि यह किया जा सकता है अवज्ञा के कार्य के बावजूद साइक्लोन अन। इच्छा से मेवरिक को टीम लीडर के रूप में नियुक्त करता है मेवरिक लीड एफ बटा ए अठारह ही उड़ाता है उसके साथ लेफ्टिनेंट नताशा फिनिक्स ट्रेस और डब्ल्यूएसओ लेफ्टिनेंट रॉबर्ट बॉब फ्लॉयड द्वारा उड़ाया गया बड़ी लेजिंग एफ बटा ए अठारह एफ सी होता है रोस्टर दूसरी स्ट्राइक जोड़ी का नेतृत्व करता है जिसमें लेफ्टिनेंट रूबेन पेबैक फिच और डब्ल्यूएसओ लेफ्टिनेंट मिकी फैनबॉय गार्सिया शामिल है चार जेट एक विमानवाहक पोत से लॉन्च होते हैं और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें पास आते ही पास के हवाई अड्डे को नष्ट कर देती है टीमें संयंत्र को नष्ट कर देती हैं लेकिन एसएम उनके भागने के दौरान ओलिया चला देते हैं रोस्टर के पास जवाबी कार्रवाई हो जाती है और मेवरिक उसे आने वाले हमले से बचाने के लिए अपने विमान का बलिदान देता है मावेरिक को मरा हुआ मानते हुए सभी जेटों को वाहक को वापस भेजने का आदेश दिया जाता है लेकिन रोस्टर अवज्ञा करता है और वापस लौटता है और पाता है कि मावेरिक बाहर निकल गया है और एम आई चौबीस हमले के हेलीकॉप्टर द्वारा उसका पीछा किया जा रहा है गनशिप को नष्ट करने के बाद रूस्टर को एक एस एम द्वारा गोली मार दी जाती है और वह बाहर निकल जाता है दोनों मिलते हैं और क्षतिग्रस्त बेस से एफ चौदह चुरा लेते हैं मेवरिक और रोस्टर दो इंटरसेप्टिंग सू सत्तावन को नष्ट कर देते हैं लेकिन तीसरा हमला करता है क्योंकि उनके पास गोला बारूद और जवाबी उपाय खत्म हो जाते हैं जल्लाद अप्रत्याशित रूप से उसे मार गिराने के लिए समय पर पहुंच जाता है और विमान सुरक्षित वापस लौट आते हैं बाद में रूस्टर मेवरिक को उसके पी इक्यावन मस्टैंक पर काम करने में मदद करता है जब पेनी और मेवरिक पी इक्यावन में उड़ान भरते हैं तो रोस्टर अपने मिशन की सफलता की एक तस्वीर देखता है जो उसके दिवंगत पिता और एक युवा मेवरिक की तस्वीर के साथ लगी हुई है कास्ट करें कैप्टन पीट मेवरिक मिशेल के रूप में टॉम क्रूज एक परीक्षण पायलट और उड़ान प्रशिक्षक एक विशेष मिशन के लिए टॉप गन स्नातकों के एक समूह को प्रशिक्षण दे रहे हैं तेरा लेफ्टिनेंट ब्रैडली रूस्टर ब्रैडशॉ के रूप में माइस टेलर मिशन प्रशिक्षण समूह में एक एफ ए अठारह ई पायलट वह मेवरिक के दिवंगत आरायो और सबसे अच्छे दोस्त एल्टीजेजी निक गूज और कैरोल ब्रैडशॉ के बेटे हैं रोस्टर को पहले टॉप गन में जुड़वा बच्चों आरोन और एडम वीस द्वारा बिना मान्यता वाली भूमिकाओं में चित्रित किया गया था पेनेलो पेनी बेंजामिन के रूप में जेनिफर कॉनली मेवरिक की प्रेम रुचि फिर से जाग उठी जो एक अकेली मां एक बार मालिक और एक एडमिरल की बेटी है डी जॉन हैम वाइस एडमिरल ब्यू साइक्लोन सिंपसन के रूप में नौसेना वायुसेना के कमांडर एलटी जेक जल्लाद सेरेसिन के रूप में ग्लेन पॉविल एक एफ बटा ए अठारह ई पायलट और मिशन उम्मीदवार एड हैरिस रियर एडमिरल चेस्टर हैमर कैन के रूप में मेवरिक के वरिष्ठ और डार्क स्टार कार्यक्रम के प्रमुख ही चौदह एडमिरल टॉम आइसमैन कजानस्की के रूप में वेल किलमर अमेरिकी प्रशांत बेड़े के कमांडर करीबी दोस्त और मेवरिक के पूर्व प्रतिद्वंद्वी एल्टी रॉबर्ट बॉब फ्लॉयड के रूप में लुईस पुलमैन फीनिक्स का एफ ए अठारह एफ डब्ल्यूएसओ और मिशन उम्मीदवार एफ चार्ल्स पार्नेल रियर एडमिरल सोलोमन वॉरलॉक बेट्स के रूप में नेवल एविएशन वार फाइटिंग डेवलपमेंट सेंटर के कमांडर और मेवरिक के परिचित मुख्य वारंट अधिकारी के रूप में बशीर सलाहुद्दीन चार बर्नी होंडो कोलमैन मेवरिक का एक मित्र एलटी नताशा फिनिक्स ट्रेस के रूप में मोनिका बारबेरो एक एफ ए अठारह एफ पायलट और मिशन उम्मीदवार जे एलिस एलटी रूबेन पेबैक फिच के रूप में एक एफ बटा ए अठारह एफ पायलट और मिशन उम्मीदवार एल्टी मिकी फैनबॉय गार्सिया के रूप में डैनी रामिरिज पेबैक का एफ बटा ए अठारह एफ डब्ल्यूएसओ और मिशन उम्मीदवार एल्टी जेवी कोयोट मचाडो के रूप में ग्रेग टार्जन डेविस एक एफ बटा ए अठारह ई पाइलट और मिशन उम्मीदवार एल्टी बिली फ्रिड्स एवालोन के रूप में मैनी जैसेंटो एक एफ बटा ए अठारह ई पायलट और मिशन उम्मीदवार एलटी लोगन येल ली के रूप में रेमंड ली, एक एफ बटा ए अठारह एफ पायलट और मिशन उम्मीदवार एलटी ब्रिगम हार्वर्ड लेनोक्स के रूप में जेक पिकिंग येल का एफ बटा ए अठारह एफ और मिशन उम्मीदवार एलटी नील ओमाहा विकेंडर के रूप में जैक शुमाकर एक एफ बटा ए अठारह एफ पायलट और मिशन उम्मीदवार कारा वांग एल्टी कैली हेलो बेसेट के रूप में ओमाहा का एफ बटा ए अठारह एफ और मिशन उम्मीदवार अमेलिया बेंजामिन के रूप में लिलियाना रे पेनी की बेटी सारा कजानस्की के रूप में जीन लुइसा केली आइसमैन की पत्नी जिमी के रूप में जेम्स हैंडी पेनी बार में एक बूढ़ा बार्टेंडर मिशन नियंत्रक के रूप में चिदो नवोकोचा एडमिरल की सहयोगी के रूप में चेल्सी टॉप गन के संग्रह फुटेज में एंथोनी एडवर्ड्स मेग रयान साथ ही आरोन और एडम वीस ब्रैडशॉ परिवार के रूप में दिखाई देते हैं साथ ही केली मैगिलिस चार्लोट चार्ली ब्लैकवर्ड के रूप में दिखाई देते हैं उत्पादन विकास 1990 में बॉर्न ऑन द फोर्थ ऑफ जुलाई उन्नीस के प्रचार के दौरान टॉम क्रूज ने टॉप गन उन्नीस के सीक्वल की धारणा को गैर जिम्मेदाराना कहकर खारिज कर दिया पंद्रह पैरामाउंट पिक्चर्स ने जेरी ब्रुखाइमर और टोनी स्कॉट को टॉप गन का सीक्वल बनाने की पेशकश करने के बाद 2010 में फिल्म पर विकास शुरू किया जिसमें टॉम क्रूज ने अपनी भूमिका दोहराई जब स्कॉट से एक नई टॉप गन फिल्म के बारे में उनके विचार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया इस दुनिया ने मुझे आकर्षित किया क्योंकि यह मूल रूप से जो थी उससे ब खुद अलग है लेकिन मैं रीमेक नहीं बनाना चाहता मैं नहीं करना चाहता पुनराविष्कार मैं एक नई फिल्म करना चाहता हूं सोलह यह बताया गया कि फिल्म डॉग फाइटिंग युग के अंत पर ध्यान केंद्रित करेगी सत्रह आधुनिक हवाई युद्ध में ड्रोन की भूमिका अठारह और क्रूज के चरित्र मेवरिक को एफ बटा ए अठारह सुपर उड़ाते हुए देखा जाएगा हॉर्नेट एक नौ दो शून्य एक दो में स्कॉट की मृत्यु के बाद सीक्वल का भविष्य अनिश्चित हो गया लेकिन निर्माता जेरी ब्रुखाइमर परियोजना के लिए प्रतिबद्ध रहे विशेष रूप से क्रूज और किल्मर द्वारा व्यक्त की गई रुचि को देखते हुए 20 क्रूज ने जून 2017 में खुलासा किया कि सीक्वल का नाम टॉप गन मेवरिक होगा यह देखते हुए कि वह शीर्षक में कोई नंबर नहीं चाहते थे 21 उन्होंने कहा कि यह फिल्म पहली फिल्म की तरह ही एक प्रतिस्पर्धी फिल्म होने जा रही है लेकिन उन्होंने इसे मेवरिक के लिए एक प्रगति के रूप में स्पष्ट किया 22 22-23 जुलाई 2017 तक क्रूज ऑन ओब्लिवियन 2013 के साथ सहयोग करने के बाद जोसेफ कोसिंस्की को निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था 24 24-25 कोसिंस्की की मुलाकात मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018 के सेट पर। रूस से हुई उन्होंने अपनी नियुक्ति से पहले एक लुकबुक एक पोस्टर और एक शीर्षक टॉप गन मेवरिक प्रदान किया इसके बाद क्रूज ने जिम जियानोपुलोस से संपर्क किया और फिल्म बनाने का अनुरोध किया 26 19 जून 2019 को बार्सिलोना के सिनेूरोप में उपस्थित लोग पहली बार एक विशेष पैरामाउंट प्रस्तुति से फिल्म के कुछ शुरुआती फुटेज देखने में सक्षम हुए प्रेजेंटेशन के दौरान इंटरनेशनल थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अध्यक्ष मार्क वियान और वर्ल्डवाइड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की सह अध्यक्ष मैरी डेली प्रमोशन के एक हिस्से के रूप में फ्लाइट कपड़ों में दिखाई दिए दो सात दो शून्य एक नौ में चीन के टेंसेंट ने फिल्म में बारह पांच परसेंट का निवेश किया लेकिन बाद में उस वर्ष के अंत में इस चिंता के कारण परियोजना से बाहर हो गए कि फिल्म के विषय चीनी सरकार को नाराज कर सकते हैं 28 लेखन 2010 के मध्य तक क्रिस्टोफर मैकक्वेरी को सीक्वल की पटकथा लिखने का प्रस्ताव मिला जिसमें अफवाह थी कि क्रूज का चरित्र मेवरिक एक छोटी भूमिका में था उनतीस अगले वर्ष एशले एडवर्ड मिलर और जैक स्टेंटस को परियोजना पर पटकथा लेखक के रूप में श्रेय दिया गया तीस स्टूडियो ने बाद में मार्च 2012 में स्कॉट के निर्देशन में एक नई स्क्रिप्ट का मसौदा तैयार करने के लिए पीटर क्रेक को नियुक्त किया 31 हालांकि उसी वर्ष अगस्त में स्कॉट की आत्महत्या के कारण परियोजना अप्रत्याशित रूप से रुक गई थी 1932 मार्च 2014 हजार मा। ए ब्रुखाइमर ने कहा कि फिल्म निर्माता एक नया दृष्टिकोण अपना रहे थे जिसमें पायलटों को ड्रोन द्वारा अप्रचलित किया जाना शामिल था तैतीस सितंबर 2014 में सीक्वल को आधिकारिक तौर पर पुनर्जीवित किया गया जस्टिन मार्क्स ने पटकथा लिखने के लिए बातचीत शुरू की चौंतीस मार्क्स ने कहा कि टॉप गन का सीक्वल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और मूल उनकी याद में एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जिसने उन्हें पटकथा लिखने के लिए प्रेरित किया पैंतीस उन्होंने मौजूदा दौर में टॉप गन का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा की कि जानकारी हासिल करने के लिए एफ पैंतीस ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर पर शोध किया पैंतीस उस फिल्म में मेवरिक अपने शुरुआती बीसवें वर्ष में था और अब वह अपने पचासवें वर्ष में है यह एक अलग यात्रा होनी थी लेकिन यह महत्वपूर्ण था कि यह एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन के एक अलग चरण में एक यात्रा थी हम टॉप गन के बारे में सोचते हैं यह एक, एक एक्शन फिल्म है लेकिन मैं इसे एक नाटक के रूप में सोचता हूँ इसमें कुछ अविश्वसनीय एक्शन दृश्य हैं लेकिन इसके केंद्र में एक नाटक है कोसिंस की टॉप गन मेवरिक की नई स्क्रिप्ट पर छत्तीस स्कॉट ने स्पष्ट रूप से स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे दिया था और स्थानों की तलाश शुरू कर दी थी अपनी मृत्यु से एक सप्ताह पहले उन्होंने और क्रूज ने नेवादा के नेवल एयर स्टेशन फॉलन का दौरा किया सैतीस हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि टॉप गन सीक्वल उन्नत विकास में तीन निर्देशन परियोजनाओं में से एक था अड़तीस 2017 में पेरिस में स्क्रिप्टिंग चर्चा के दौरान जहां क्रूज मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की शूटिंग कर रहे थे कोसंसकी ने क्रूज को दो विचार दिए छब्बीस उनतालीस पहला मेवरिक और गूज के बेटे के बीच टूटे रिश्ते पर केंद्रित था जो एक खतरनाक युद्ध मिशन के खिलाफ था दूसरा डार्क स्टार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नौसेना में मेवरिक की वर्तमान स्थिति और इसके आसपास की गोपनीयता पर केंद्रित था उनतालीस निर्देशक के रूप में कोसिंसकी के साथ ओनली द ब्रेव २०१७ के पटकथा लेखक एरिक वॉरिन सिंगर अगस्त २०१७ तक स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए फिल्म में शामिल हो गए चालीस उन्नीस सौ इकतालीस अक्टूबर दो हज़ार अठारह में क्रूज के लगातार सहयोगी मैकक्वेरी थे उत्पादन के दौरान पुनर्लेखन के लिए लाया गया बयालीस मैकक्वेरी ने लेखन प्रक्रिया के दौरान पहली फिल्म को ज्यादातर नजरअंदाज करने का विकल्प चुना उन्होंने तैयारी में ब्लू एंजल्स के साथ उड़ान भी भरी उन्नीस जनवरी 2020 तक अंतिम पटकथा का श्रेय एरेन क्रूगर सिंगर और मैकक्वेरी को दिया गया जबकि कहानी का श्रेय क्रेग और मार्क्स को दिया गया दोस्तों टॉप गन मूवी के बारे में बात की जाए तो इसकी एम रेटिंग 9.6 की है जो कि बहुत ही भारी और जबरदस्त रेटिंग है और 98% एट परसेंट ने पसंद किया था दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो अट्ठाईस अप्रैल 2023 को इसे कहनी कॉन्स के अंदर रिलीज किया गया तो इसके बाद इसे तेईस मई 2022 को यूनाइटेड स्टेट के अंदर वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया गया था और साथ ही साथ 130 मिनट टोटल इस मूवी की लेंथ थी जो कि बहुत ही बढ़िया है साथ ही साथ एक तरह से इंग्लिश में इसे बनाया गया था बाकी मल्टीपल लैंग्वेज में इसे डब करके कर रिलीज किया गया था साथ ही साथ इसी के साथ इस मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो एक से एक मिलियन डॉलर्स का ये बजट था इस मूवी का और इसने जो कलेक्शन किया है मैं आपको बता दूँ तो 1.496 बिलियन से का एक तरह इसने कलेक्शन किया है जो कि बहुत ही जबरदस्त है और कंफर्म इसका थर्ड पार्ट हमें देखने को मिलेगा तो आज हम इसके दूसरे पार्ट के ऊपर एक तरह से वीडियो लेकर आए हैं यदि आपको तीसरे पार्ट के लिए अपडेट जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे अब आगे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आगे आपको देता हूं टॉप गन मेवरिक में क्रूज की भागीदारी की घोषणा जनवरी 2016 में की गई थी छियालीस उन्हें 12 डॉलर से 14 मिलियन डॉलर के बीच भुगतान किया गया था सैतालीस साथ ही फ़िल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई का एक हिस्सा जो कुल मिलाकर 100 मिलियन डॉलर से अधिक था 48 वेल किलमर जो अब कैंसर मुक्त है ने फिल्म में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए अपने फेसबुक पेज पर अभियान चलाया था उन्नीस जून दो में द रैप ने बताया कि वह फिल्म में दिखाई देंगे 50 जबकि ब्रुखाइमर और फिल्म निर्माता किल्मर को वापस लाना चाहते थे क्रूज ने इस पर जोर दिया 1951 मार्च 2022 में जारी एक ट्रेलर में किल्मर की चार सितारा एडमिरल की वर्दी पहने हुए एक तस्वीर दिखाई गई थी जुलाई 2018 में माइस स्टेलर को निकोलस हाउल्ड और ग्लेन पॉवेल के खिलाफ गूस के बेटे की भूमिका में लिया गया था बावन उस महीने के अंत में जेनिफर कोनेली नौसेना बेस के पास बार चलाने वाली एक अकेली मां की भूमिका निभाने के लिए फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गई तिरपन चौवन अगस्त 2018 में पॉवेल एक पायलट प्रशिक्षु की भूमिका में कलाकारों में शामिल हो गए जो उनके लिए बड़ा था उन्होंने क्रूज ब्रुखाइमर और पैरामाउंट और स्काईडांस मीडिया के अधिकारियों को अपने ऑडिशन से प्रभावित किया पचपन उन्हें अहंकारी जल्लाद की भूमिका दी गई जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मूल नाम स्लेयर रखा गया पॉवेल शुरू में इस भूमिका को लेने की संभावना से प्रभावित नहीं थे उनका मानना था कि यह किरदार एक आयामी डिग गार्निश और नेवी ड्रेको मालफॉय था जिसका रूस्टर के चरित्र आर्क में संघर्ष जोड़ ने के अलावा कोई भुगतान या अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं था क्रूज ब्रुखाइमर कोसिंस्की और मैकक्वेरी उन्हें यह समझाने में कामयाब रहे कि वह हैंडमैन को और अधिक अच्छी तरह से विकसित चरित्र बनाने के लिए अपने प्रदर्शन को आकार दे सकते हैं क्रूस ने पॉवेल को विभिन्न संस्कृतियों में बॉडी लैंग्वेज पर सलाह दी जिससे उन्हें जल्लाद की भूमिका निभाने में मदद मिली ताकि वैश्विक दर्शक भावनात्मक रूप से चरित्र से जुड़ सकें छप्पन उसी महीने में मोनिका बारबेरो थॉमसन मैकेजी चार्ल्स पार्नेल जे एली स बशीर सलाहुद्दीन डैनी रामिरेज एड हैरिस जॉन हैम और लुईस पुलमैन फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए बारबेरो पुलमैन एलिस और रामिरेज़ ने एविएटर प्रशिक्षुओं की भूमिका निभाई जबकि मैकेी को कॉनली के चरित्र की बेटी की भूमिका निभानी थी सत्तावन अन्सठ आधिकारिक प्रस्ताव या स्क्रिप्ट दिए जाने से पहले हेम ने फिल्म पर हस्ताक्षर किए 1960 सितंबर 2018 में मैनी जैसेंटो कलाकारों में शामिल हुए 1961 अक्टूबर 2018 में कारा वांग जैक शुमाकर ग्रेग टार्जन डेविस जेक पिकिंग रेमंड ली, जीन लुइसा केली और लिलियाना रे कलाकारों में शामिल हुए बासठ रे ने मैकेजी का स्थान लिया जो लॉस्ट गर्ल्स 2020 पर हस्ताक्षर करने के बाद फिल्म से बाहर हो गई उन्नीस नवंबर 2018 में चेल्सी हैरिस कलाकारों में शामिल हुई चौसठ केली मैगिलिस मेघ रयान और आरोन और एडम वीज ज ओ सभी मूल फिल्म में दिखाई दिए थे उन्हें अगली कड़ी में दिखाई देने के लिए नहीं कहा गया था पैंसठ छियासठ सड़सठ वैनिटी फेयर के साथ एक साक्षात्कार के अनुसार लुईस हैमिल्टन को क्रूज के साथ दोस्ती के कारण एक लड़ाकू पायलट की भूमिका की पेशकश की गई थी लेकिन फॉर्मूला वन प्रतिबद्धताओं के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया अड़सठ फिल्मांकन फिल्मांकन यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हुआ यह भ्रम पैदा करने के लिए कि उड़ान दृश्यों के दौरान अभिनेता जेट का संचालन कर रहे थे निर्माताओं ने एफ बटा ए अठारह एकल सीट और एफ बटा ए अठारह दोहरी सीट हॉर्नेट और पायलटों को उड़ाने के लिए नौसेना को प्रति उड़ान घंटे ग्यारह हज़ार तीन सौ चौहत्तर डॉलर का भुगतान किया उन्हें बाहरी शॉट्स के लिए असली नौसेना पायलटों ने इस संस्करण उड़ाया उड़ान में अभिनेताओं के शॉट्स के लिए सामने की सीट पर वास्तविक पायलट के साथ इस संस्करण का उपयोग किया गया था उनहत्तर एक एफ बटा ए अठारह एफ में पिछली सीट पर बैठे एक अभिनेता का फ़िल्मांकन करने के लिए विशेष कैम रे लगाए गए थे क्रूज ने अभिनेताओं को उड़ान भूमिकाओं के साथ प्रशिक्षित करने के लिए तीन महीने का बूट कैंप डिज़ाइन किया ताकि उन्हें एरोबेटिक्स और उच्च जी फोर्स का आदि बनाया जा सके साथ ही कैमरा उपकरण संचालित करने के लिए आवश्यक स्थानिक जागरूकता पैदा की जा सके नौसेना द्वारा सामरिक जेट में यात्रियों के लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता थी जिसमें पानी के नीचे निकासी भी शामिल थी सत्तर बारबेरों ने कहा कि कलाकारों ने चक कोलमैन द्वारा उड़ाए गए अतिरिक्त 300 सौ एल में एरोबेटिक्स का सामना किया जिसमें एफ बटा ए अठारह ए फमे उड़ान से ठीक पहले भी शामिल था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके शरीर में आवश्यक सहनशीलता है उन्होंने उन महिला पायलटों की भी प्रशंसा की जिनके साथ उन्होंने फिल्मांकन प्रक्रिया के दौरान काम किया था और टिप्पणी की कि सैन्य विमानन समुदाय प्रगतिशील है लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि लिंगवाद अभी भी यहाँ और वहां छोटे छोटे क्षणों में मौजूद न हो यह बराबर है ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान स्थानों में महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम के लिए इसलिए मुझे खुशी है कि हमने इसे इसमें रखा इकहत्तर अभिनेताओं को कै मरे को ठीक से चलाने के लिए प्रकाश व्यवस्था छायांकन और संपादन भी सीखना पड़ा क्योंकि जैसा कि ब्रुखाइमर ने कहा था जब वे जेठ में होते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से खुद को निर्देशित करना होता है बेहतर। फिल्म का प्रारंभिक निर्माण आधिकारिक तौर पर 30 मई 2018 को सैन डिएगो में शुरू हुआ तिहत्तर चौहत्तर चालक दल ने नेवल एयर स्टेशन फालोन में हवाई शॉट फिल्माए 1975 अगस्त के अंत में पैरामाउंट और ब्रुखाइमर फिल्म्स के 15 व्यक्ति फिल्म दल ने नॉरफ़ॉक स्थित विमानवाहक यूएसएस अब्राहम लिंकन पर उड़ान देख संचालन की शूटिंग की छिहत्तर सतहत्तर फरवरी 2019 के मध्य में क्रूज और प्रोडक्शन क्रू को एनएएस नॉर्थ आइलैंड में यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट पर देखा गया था 1978 मार्च में कैस्केड पर्वत का फिल्मांकन वाशिंगटन के ओक हार्बर में नेवल एयर स्टेशन विडबी द्वीप पर पूरा हुआ जहां एव ए अठारह के फिल्मांकन से पहले हेलीकॉप्टर और एल उनतालीस द्वारा मार्गों की जांच की गई थी उनासी पचहत्तर अस्सी उन्नीस जून 2019 को माइस टेलर ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि उन्होंने दो दिन पहले ही फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी इक्यासी मुख्य फोटोग्राफी 15 अप्रैल 2019 तक सैन डिएगो लेमूर चाइना लेक बयासी चिको तिरासी और कैलिफोर्निया में लेक लेकताहों में निर्धारित की गई थी चौरासी सिएटल पचासी और पेटकसेंट नदी मैरीलैंड छियासी एड हैरिस के साथ लो पास दृश्य को चीन झील पर फिल्माया गया था जिसमें ब्लू एंजेल्स विमान को 50 फीट 15 मीटर से भी कम ऊंचाई पर 450 के इन पाँच मील प्रति घंटे 830 किलोमीटर बटा घंटा के आसपास उड़ाया गया था जो 20 तारीख और आखिरी को था गार्ड झोंपड़ी से खींची गई छत सामग्री को केवल रोमेक्स केबल द्वारा पकड़कर उड़ा दिया गया पचहत्तर पोस्ट प्रोडक्शन और संपादन कार्यों की देखरेख कोसिंस्की ने कोविड 19 महामारी लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर की थी सत्तासी फिल्म को आईमैक्स प्रमाणित सोनी वेनिस 6 के पूर्ण फ्रेम कैमरों का उपयोग करके आईमैक्स प्रारूप में शूट किया गया था अट्ठासी कोसिंसकी ने कहा कि टीम ने कॉकपिट के अंदर आईमैक्स कैमरों का उपयोग करने के लिए नौसेना बलों के साथ एक वर्ष से अधिक समय बिताया जिसमें चार कैमरे अभिनेताओं की ओर और, और दो आगे की ओर थे इसके अलावा विमान के बाहरी हिस्से में भी कैमरे लगे थे उन्होंने कहा दर्शकों को प्रामाणिकता तनाव गति और गुरुत्वाकर्षण बलों को महसूस करना चाहिए कुछ ऐसा जो ध्वनि मंच या दृश्य प्रभावों के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता है जिसके लिए जबरदस्त प्रयास और काम की आवश्यकता होती है नवेर इंजीनियरों ने इजेक्शन की स्थिति में सुरक्षा बनाए रखते हुए पैंतरेबाजी और वाहक लैंडिंग के दौरान निरंतर गति और जी बलों का सामना करने के लिए विमान में कैमरों को रिक करने के लिए पवन सुरंग परीक्षण और कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग किया पचहत्तर छत्तीस चालक दल ने एफ बटा ए अठारह के बाहर हवाई फुटेज को तीन प्लेटफार्मों पर जिम्बल स्थिर कैमरों के साथ शूट किया दो संशोधित एरो एल उनतालीस अल्बाट्रोस में से एक पर एक नाक माउंटेड रिग जो 350 सौ पर फिल्म बना सकत आथा 403 मील प्रति घंटे 648 किलोमीटर बटा घंटा और 3 ग्राम एम्ब्रेयर फेनोम 300 पर नाक और पूंछ पर लगे कैमरे और एयरबस एस तीन हेलीकॉप्टर पर नाक पर लगे रिग। नवासी नब्बे उनासी फिल्म के लिए 800 घंटे से अधिक हवाई फुटेज शूट किया गया था पचहत्तर जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स त्रई में फिल्मों के लिए शूट किए गए संयुक्त फुटेज से अधिक था इक्यानवे स्टील संरचना को दृश्य निरीक्षण के लिए ऑफसाइट इकट्ठा किया गया था फिर सेट पर नष्ट कर दिया गया और फिर से बनाया गया हार्ड देख बार वास्तविक जीवन के आई बार से प्रेरित होकर कोरोनाडो सीएमए नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड के ठीक समुद्र तट पर बनाया गया था तिरानवे विमान एफ बटा ए अठारह ई बटा एफ सहित अधिकांश विमानों के लिए उत्पादन दल ने पूरे देश से 20 कार्यशील विमान प्राप्त किए हिंडले ने कहा कि कोसिंस्की ने डिज़ाइन के दौरान हेलमेट सूट क्रॉप्स और कई अन्य चीजों सहित हर विवरण के लिए विशिष्टताएं बनाई थीं बानवे डार्कस्टार काल्पनिक डार्कस्टार विमान को लॉकहेड मार्टिन और उसके स्कंक वर्क्स डिवीजन के इंजीनियरों की मदद से डिजाइन किया गया था विमान का एक पूर्ण स्तरीय मॉकअप चीन झील पर बनाया और फिल्माया गया था चौरानवे कोसिंसकी ने कहा हमने स्कंक वर्क से संपर्क करने का कारण यह बताया कि मैं संभवतः सबसे यथार्थवादी हाइपरसोनिक विमान बनाना चाहता था वास्तव में जैसा कि आपने देखा हमने उनके साथ सहयोग में इसे पूर्ण पैमाने पर बनाया लेकिन इसका कारण यह है यह इतना वास्तविक दिखता है क्योंकि यह स्कंक वर्कस के इंजीनियर थे जिन्होंने ए हमें इसे डिज़ाइन करने में मदद की तो ये वही लोग हैं जो वास्तविक विमान पर काम कर रहे हैं जिन्होंने हमें इस फिल्म के लिए डार्कस्टार डिज़ाइन करने में मदद की पचानवे लॉकहेड ने इस बात से इनकार किया कि डार्क स्टार अनक्रूड लॉकहेड मार्टिन एसआर बहत्तर से संबंधित है जिसके अस्तित्व की कंपनी ने कभी पुष्टि नहीं की है छियानवे एफ चौदह टॉप गन मेवरिक से एफ चौदह टॉमकैट का स्क्रीनशॉट डॉग फाइटिंग सीन के लिए जेट को पूरी तरह विजुअल इफेक्ट्स के जरिए दिखाया गया था प्रोडक्शन डिजाइनर जेरेमी हिंडल ने कहा कि एफ चौदह टॉमकैट जिसे पहली फिल्म में दिखाया गया है का उपयोग करना मुश्किल होता ऐसे कोई एफ चौदह नहीं है जो उड़ते हों क्योंकि उन्हें अमेरिका में सेवा मुक्त कर दिया गया है और उनमें से सभी इंजन हटा दिए गए हैं बानवे उन्होंने कहा कि वे प्रतिबंधों के कारण ईरान में सक्रिय एफ चौदह टॉमकैट्स का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे जो विमान हासिल करने वाला एकमात्र अन्य देश था स्पेयर पार्ट्स के अवैध निर्यात को रोकने के लिए अमेरिका ने एफ चौदह के अपने विशाल बेड़े को सेवानिवृत्त था होने के बाद नष्ट कर दिया या निष्क्रिय कर दिया सत्तानवे नौसेना की मदद से प्रोडक्शन टीम ने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो एयर एंड स्पेस म्यूजियम से एकएफ चौदह ए सुरक्षित किया अट्ठानवे हैंडल ने आगे की चुनौतियों का वर्णन किया जिसमें विमान के घटकों को नष्ट करना और शिपिंग करना और विमान को यथासंभव कार्यात्मक बनाना शामिल है हालांकि अभी भी इंजन के बिना बानवे पोस्ट प्रोडक्शन वीएफएक्स कलाकार फ्रेड लिन ने कहा कि फिल्म में सीजीआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है एफ चौदह और एसयू सत्तावन को पूरी तरह से कंप्यूटर द्वारा देखा गया था निन्यानवे जबकि एफ बटा ए अठारह डॉग फाइटिंग और अंतिम स्ट्राइक दृश्यों को एक ही जेट के साथ शूट किया गया था जिससे फुटेज का निर्माण किया गया था जिसका उपयोग स्क्रीन पर कई जेट बनाने के लिए किया गया था निन्यानवे फिल्म में लगभग 2,400 हजार वीएफएक्स शॉट्स थे सभी दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक रयान टुढ़ोप के तहत निर्मित किए गए थे 100 अधिकांश काम मेथड स्टूडियो और एमपीसी फिल्म द्वारा किया गया था हालांकि लोला वीएफएक्स और ब्लाइंड ने दो मोशन ग्राफिक्स प्रशिक्षण विजुअलाइजेशन और जेट के हेड अप डिस्प्ले प्रदान किए थे स्काईवॉकर साउंड ने फिल्म के लिए ध्वनि डिजाइन और अस्थाई मिश्रण पर काम किया उन्होंने सिंसिनाटी के जेट इंजन निर्माता जी एविएशन के साथ मिलकर काम करते हुए विमानन ध्वनि प्रभाव तैयार किया एक सौ एक डॉल्बी एटमॉस और आईमैक्स में अंतिम ध्वनि संपादन और मिश्रण का काम लंदन स्थित साउंड बाइट स्टूडियोज एक सौ दो और ट्विकेनहैम फिल्म स्टूडियोज ने संभाला था रिकॉर्डिंग मिक्सर क्रिस बर्डन और मार्क टेलर ने मिक्स को पूरा करने के लिए अलग अलग ऑडियो कॉन्फ़िगरेशन के साथ दो थिएटरों में काम किया जो जून और जुलाई 2020 में हुआ 103 गले के कैंसर के इलाज और ऑपरेशन के बाद वेल किल्मर ने प्रभावी ढंग से बोलने की क्षमता खो दी एक शून्य चार दो शून्य दो एक में उन्होंने एआई तकनीक का उपयोग करके अपनी आवाज को डिजिटल रूप से फिर से बनाने और अपनी आवाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग को संग्रहित करने के लिए यूके स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सोनाटिक के साथ काम किया जो आवाज संश्लेषण में माहिर है एक सौ के सहयोग से एक सफल वोकल मॉडल प्रोग्राम तैयार हुआ जिसे किलमर भविष्य की परियोजनाओं में लागू कर सकता है 105 105-106 टॉप गन मेवरिक के लिए हालांकि इस तकनीक का उपाय ओक नहीं किया गया था निर्देशक जोसेफ कोसिंस्की ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने स्पष्टता बढ़ाने के लिए किलमर की वास्तविक आवाज का उपयोग किया इसे डिजिटल रूप से बदल दिया 107 मूल फिल्म के फुटेज का उपयोग उस दृश्य में किया गया था जहां मेवरिक रूस्टर को पियानो पर ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर बजाते हुए देखता है जिससे गूस के परिवार और मृत्यु की यादें ताजा हो जाती है 108 फुटेज का उपयोग फ्लैशबैक के रूप में किया गया था ताकि पात्रों के रिश्ते को समझाने और इसमें शामिल भावनात्मक संघर्षों को गहरा करने में मदद मिल सके मूल लिपि में इसकी योजना नहीं बनाई गई थी कोसिंस्की ने इस विचार को फिल्म संपादन चरण में पेश किया एक सौ नौ संगीत मुख्य लेख टॉप गन मेवरिक साउंड ट्रैक शीर्ष गन संगीतकार हेरोल्ड फाल्टरमेर ने लेडी गागा वन रिपब्लिक और हंस जिमर के साथ जुड़कर अपनी भूमिका दोहराई साउंड ट्रैक का निर्माण लोर्ने बाल्फ द्वारा किया गया था साउंड ट्रैक सत्ताईस मई 2022 को इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स और पैरामाउंट म्यूजिक के माध्यम से जारी किया गया था 110 110-111 इसे दो एकल लेडी गागा द्वारा होल्ड माई हैंड और वन रिपब्लिक द्वारा आई इज नॉट वरीड द्वारा प्रचारित किया गया था पहली फिल्म से स्कोर में मूल टॉप गन एंथम 112, 113 और गीत डेंजर जोन के तत्व भी शामिल है जो जियोर्जियो मोरोडर द्वारा रचित और केनी लॉगिन द्वारा गाया गया है 114 मार्केटिंग फिल्म के पहले टीजर ट्रेलर का प्रीमियर 18 जुलाई 2019 को 2019 हज़ार उन्नीस सैन डिएगो कॉमिक कॉन में क्रूज की एक आश्चर्यजनक उपस्थिति के दौरान हुआ 115 116 पहले ट्रेलर को प्रशंसकों से उच्च प्रशंसा मिली कई लोगों ने श्रृंखला की वापसी की सराहना की और कुछ ने इसकी तुलना स्टार वार्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर से की जा रही है एक हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा कि कुछ प्रशंसकों ने देखा कि चीन गणराज्य का झंडा ताइवान द्वीप पर स्थित चीन गणराज्य की सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला झंडा और जापान का झंडा उनकी फ्लाइट जय केट से गायब थे क्रूज के चरित्र और पैरामाउंट पर चीन स्थित सह फाइनेंसर टेंसेंट पिक्चर्स को खुश करने के लिए इसे हटाने का आरोप लगाया गया एक सौ अठारह हालांकि चीन गणराज्य और जापानी झंडे को बाद में बहाल कर दिया गया क्योंकि टेंसेंट ने उत्पादन से हाथ खींच लिया जिसके कारण उन्हें अंतिम फिल्म में श्रेय नहीं दिया गया और इसके बजाय निर्माताओं ने फिल्म को चीन में रिलीज नहीं करने का फैसला किया 119 120 दूसरा ट्रेलर दिसंबर 2019 में जारी किया गया था 121 और युवा पीढ़ी के दर्शकों को जोड़ने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म के लिए एक नया स्नैपचैट फिल्टर पेश किया गया था 122 फरवरी 2020 में खिलौना निर्माता माचिस मेटल के स्वामित्व वाली ने घोषणा की कि वह एफ चौदह टॉमकैट एफ बटा ए अठारह ई बटा एफ सुपर हॉर्नेट और पी सहित टॉप गन डाई कास्ट मॉडल और उत्पादों की एक श्रृंखला जारी कर रही है इक्यावन मस्टेंग साथ ही रोल प्ले आइटम नाटकीय रिलीज में देरी के बावजूद उन्हें 1 जून 2020 को सार्वजनिक रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था 123 जून 2020 में प्लास्टिक मॉडल निर्माता रेविल ने एक बटा अड़तालीस स्केल टॉप गन प्लास्टिक मॉडल की एक श्रृंखला जारी की जिसमें फिल्म में विमान पर आधारित एक एफ चौदह ए टॉमकैट और एक एफ बटा ए अठारह ई सुपर हॉर्नेट शामिल है ये संशोधित डिकल्स और चहनों के साथ पिछली रेविल पेशकशों के संस्करण हैं एक सौ चौबीस जुलाई दो हज़ार बीस में हेस्ब्रो ने एक टॉप गन थीम वाले ट्रांसफॉर्मर खिलौने मेवरिक की घोषणा की जिसे बाद में वर्ष में जारी किया गया था एक सौ पच्चीस हैजब्रो ने बाद में फिल्म की अंतिम रिलीज की तारीख से जुड़ने के लिए खिलौने को वॉलमार्ट एक्सक्लूसिव के रूप में फिर से जारी किया एप्पल टीवी प्लस ने टॉप गन मेवरिक के वितरण अधिकार खरीदने का प्रयास किया लेकिन पैरामाउंट ने उन्हें बेचने से इनकार कर दिया फिल्म के सिनेमाकॉन प्रीमियर में जब पूछा गया कि एप्पल और अन्य स्ट्रीमिंग कंपनियां वितरण अधिकार खरीदने का प्रयास कर रही हैं तो ब्रुकायमर ने कहा कि फिल्म का हमेशा से ही बड़ा स्क्रीन गंतव्य रहा है कांस में फिल्म के प्रीमियर पर क्रूज ने इस बात से भी इनकार किया कि फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए जा रही है एक सौ चौवन एक सौ पचपन एक सौ छप्पन इस मॉडल के बावजूद कि ज्यादातर फिल्में अपनी नाटकीय रिलीज के पैंतालीस दिन बाद स्ट्रीमिंग पर शुरू होती है एक क्रूज के आग्रह और लगातार सप्ताह के कारण पैरामाउंट ने टॉप गन मेवरिक को लंबे समय तक सिनेमाघरों में रखने का फैसला किया फिल्म के सप्ताह दर सप्ताह बॉक्स ऑफिस परिणाम फिल्म को 23 अगस्त 2022 को मानक परिभाषा उच्च परिभाषा और यूएचडी में डिजिटल रूप से रिलीज किया गया इसके बाद एक नवंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका एक और अक्टूबर में अल्ट्रा एच डी ब्लू रे ब्लू रे और डीवीडी रिलीज किया गया 31 दो हजार बाईस यूनाइटेड किंगडम में एक इसमें चुनिंदा दृश्यों में एक नब्बे एक का विस्तारित पहलू अनुपात शामिल है जैसा कि आईमैक्स स्क्रीनिंग में देखा गया था फिल्म के निर्माण पर चार फीचर क्रूज पचहत्तर वे कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने करियर पर चर्चा और इसमें दिखाए गए गानों के दो संगीत वीडियो शामिल हैं द फिल्म 160 सौ पैरामाउंट प्लस और स्काई शो टाइम पैरामाउंट ग्लोबल और स्काई ग्रुप दोनों के संयुक्त उद्यम के तहत ने किसी भी सेवा के लिए ग्राहक की सदस्यता के हिस्से के रूप में टॉप गन मेवरिक को 22 दिसंबर 2022 को स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध कराया एक सौ इकसठ संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉप गन मेवरिक पैरामाउंट प्लस पर पहली बार सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई एक स्वागत बॉक्स ऑफिस टॉप गन मेवरिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 718.7 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 777 मिलियन डॉलर की कमाई की जिससे दुनिया भर में कुल एक डॉलर चार बिलियन की कमाई हुई चार पाँच यह फिल्म 17 जून 2022 को दुनिया भर में 800 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने के बाद क्रूज के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई एक सौ चौंसठ छब्बीस जून को फिल्म ने एक बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया और महामारी युग के दौरान ऐसा करने वाली दूसरी फिल्म बन गई एक सौ पैंसठ एक सौ छियासठ यह दो हज़ार बाईस में रिलीज हुई दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है अवतार द वे ऑफ वॉटर के बाद एक सौ सड़सठ द वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हुए सन्नी बंच ने तर्क दिया कि स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ फिल्म की वित्तीय सफलता दर्शाती है कि हॉलीवुड फिल्म के लाभदायक होने के लिए चीन में नाटकीय रिलीज हासिल करना अनिवार्य नहीं है 120 डेडलाइन हॉलीवुड ने उत्पादन बजट विपणन प्रतिभा, भागीदारी और अन्य लागतों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना तीन सौ इक्यानवे दशमलव एक मिलियन डॉलर की बॉक्स ऑफिस की कमाई और घरेलू मीडिया राजस्व ने इसे 2022 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर की सूची में दूसरे स्थान पर रखा एक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में टॉप गन मेवरिक 2022 में रिलीज हुई सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी चार एक इसने अपने शुरुआती तीन दिवसीय सप्ताहांत में 126.7 मिलियन डॉलर और चार दिवसीय मेमोरियल डे सप्ताहांत में 160 डॉलर पांच मिलियन की कमाई की बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही और क्रूज के पिछले करियर के सर्वश्रेष्ठ को लगभग दोगुना कर दिया फिल्म को सबसे बड़ा मेमोरियल डे चार दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत भी मिला एक अपने दूसरे सप्ताहांत में इसने 90 मिलियन डॉलर की कमाई की उनतीस परसेंट की गिरावट उस फिल्म के लिए अब तक की सबसे छोटी गिरावट थी जिसने 100 मिलियन डॉलर से अधिक की शुरुआत की थी और श्रेक दो मई 2004 में 108 मिलियन डॉलर की पहली फिल्म से इसके दूसरे सप्ताहांत में 33 परसेंट की गिरावट को पीछे छोड़ दिया 170 फिल्म को उसके तीसरे सप्ताहांत में नवागंत जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन द्वारा गद्दी से उतार दिया गया हालांकि फिर भी उसने इक्यावन दशमलव नौ मिलियन डॉलर की कमाई की एक सौ इकहत्तर यह फिल्म रिलीज के पहले दस हफ्तों के दौरान बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पांच में बनी रही एक सौ बहत्तर फिल्म अपने ग्यारहवें सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पांच से बाहर हो गई और सात मिलियन डॉलर के साथ छठे स्थान पर रही एक सौ तिहत्तर अपने बारहवें सप्ताहांत में यह फिल्म चार सौ से अधिक सिनेमाघरों में पुनः रिलीज हुई और सात एक मिलियन डॉलर कमाकर दूसरे स्थान पर वापस आ गई एक सौ चौहत्तर एक सौ पचहत्तर अपने 15वें सप्ताहांत में फिल्म ने छह मिलियन डॉलर और चार दिवसीय मजदूर दिवस के दौरान कुल सात दशमलव नौ मिलियन डॉलर कमाए और बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर लौट आई एक सौ छिहत्तर विश्लेषकों ने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की लंबी उम्र का श्रेय सकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षाओं और मौखिक प्रचार को दिया एक सौ सतहत्तर एक सौ अठहत्तर अमेरिका और कनाडा के बाहर फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बासठ बाजारों से एक सौ चौबीस मिलियन डॉलर की कमाई की यह उन 32 बाजारों में क्रूज की अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत थी और उनमें से 18 में लाइव एक्शन फिल्म के लिए पैरामाउंट की सबसे अच्छी शुरुआत थी इसके शुरुआती सप्ताहांत में सबसे बड़े बाजार यूनाइटेड किंगडम 19.4 मिलियन डॉलर फ्रांस 11.7 मिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया 10.7 मिलियन जापान 9.7 मिलियन डॉलर और जर्मनी छह दशमलव मिलियन डॉलर थे इस फिल्म ने मध्य पूर्व छह दशमलव तीन मिलियन डॉलर ब्राजील 5.3 दशमलव तीन मिलियन डॉलर नीदरलैंड दो डॉलर चार मिलियन स्वीडन दो दशमलव दो मिलियन डॉलर बेल्जियम एक दशमलव सात मिलियन डॉलर न्यूजीलैंड एक दशमलव चार मिलियन डॉलर में क्रूज के करियर की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत की पोलैंड एक दशमलव दो मिलियन डॉलर अर्जेंटीना एक दशमलव दो मिलियन डॉलर फिनलैंड एक दशमलव एक मिलियन डॉलर और पुर्तगाल सात लाख सत्तर हजार डॉलर आईमैक्स ने अमेरिका और कनाडा के बाहर अपने शुरुआती सप्ताहांत में दस दशमलव चार मिलियन डॉलर की कमाई की एक सौ उनासी अगले सप्ताहांत में इसने पचासी दशमलव आठ मिलियन डॉलर की कमाई की जो मात्र 16 परसेंट कम थी जिसमें आईमैक स्क्रीनिंग से प्राप्त 18 डॉलर 5 मिलियन शामिल थे 180 सौ सितंबर 2022 तक शीर्ष बाजार यूनाइटेड किंगडम 102 मिलियन डॉलर जापान तिरानवे दशमलव छह मिलियन डॉलर दक्षिण कोरिया सड़सठ दशमलव दो मिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया चौंसठ दशमलव तीन मिलियन डॉलर और फ्रांस अट्ठावन मिलियन डॉलर है एक टॉम क्रूज़ को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली कुछ समीक्षकों ने कहा कि यह उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ में से एक है नौ समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमैटोज पर 470 आलोचकों में से छियानवे परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग आठ बीस बटा दस है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है टॉप गन मेवरिक ने चार जी इन्वर्टेड डाइव से भी अधिक पेचीदा उपलब्धि हासिल की है जो एक लंबे समय से विलंबित सीक्वल पेश करता है जो बेहद मनोरंजक शैली में अपने पूर्ववर्ती से आगे निकल जाता है एक सौ बयासी जो एक भारित औसत का उपयोग करता है ने तिरसठ आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 78 का स्कोर दिया जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है एक सौ तिरासी सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर एक दुर्लभ ए प्लस ग्रेड दिया जबकि पोस्ट ट्रैक ने बताया कि छियानवे परसेंट दर्शकों ने इसे सकारात्मक स्कोर दिया चौरासी परसेंट ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे एक सौ उनहत्तर डेडलाइन हॉलीवुड के पीट हैमंड ने सीक्वल को मूल फिल्म से बेहतर बताया एक सौ चौरासी न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचक है वो स्कॉट ने इसे पतली अत्यधिक श्रमसाध्य और कभी कभी बहुत आनंददायक फिल्म कहा और इस थीसिस का एक गंभीर बयान है कि फिल्में महान हो सकती हैं और होनी भी चाहिए एक पीटर ब्रैडशॉ ने द गार्जियन में लिखा है कि क्रूज ने एक फिल्म में नेवी पायलट हॉटशॉट के रूप में अपनी पहली भूमिका से कुछ आश्चर्यजनक मतभेदों की अध्यक्षता की है जिसमें 80 के दशक के मूल समलैंगिक तनाव गायब है एक सौ छियासी रैप के अलोसो डुराल्डे ने लिखा कि फिल्म एक योग्य सीक्वल के रूप में गिना जाता है क्योंकि यह मूल की तरह ही कई मायनों में सफल हो र विफल होती है एक सौ सत्तासी एंटरटेनमेंट आई के ब्रायन लॉयड की चार सितारा समीक्षा में कहा गया है कि फिल्म उड़ते हुए रंगों से आगे है और एक ऐसी दुनिया में मौजूद है जो खुद ही बनाई गई है इसमें सुनहरे सूर्यास्त पूरी तरह से कुरकुरा सफेद टी उत्कृष्ट रूप से कटे हुए बाल हैं और लंबे समय तक बनी रहने वाली रोमांस की लपटे जिनका विरोध करना असंभव हो जाता है एक सौ अट्ठासी द इंडिपेंडेंट के मुख्य संपादक क्लेरिस लॉफेरी ने लिखा है कि यह फिल्म जितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में होती है उतनी ही रोमांचकारी है यह आपकी सीट के किनारे की तरह मुट्ठी पंपिंग शानदार है जो अजनबियों से भरे पूरे कमरे को एकजुट कर सकती है अंधेरे में और उन्हें उनकी आंखों में दोहक भरे आंसू के साथ छोड़ दो एक सौ नवासी द न्यूयॉर्कर के रिचर्ड ब्रॉडी ने लिखा नई फिल्म नवीकरण की तुलना में अगली कड़ी कम उन्नीस के हवाई युद्ध के नाटक को आज की राजनीति से जोड़ती है एक सौ नब्बे रोजरेबर्ट कॉम के टॉमरिस लैफली ने लिखा उस बड़े स्क्रीन के समान ही योग्य मेवरिक के भावनात्मक स्ट्रोक हैं जो एक अप्रत्याशित पंच पैक करते हैं एक सौ इक्यानवे फिल्म निर्माताओं की प्रतिक्रिया तीन अगस्त दो हजार बाईस को फिल्म निर्माता क्वेंटिन टानटिनो ने टॉप गन मेवरिक को शानदार कहा क्योंकि स्टीवन स्पीलबर्ग की वेस्ट साइड स्टोरी के साथ फ़िल्म ने एक सच्चा सिनेमाई तमाशा प्रदान किया जिस तरह का मैंने लगभग सोचा था कि मैं था अब और नहीं देखूंगा। मूल टॉप गन निर्देशक दिवंगत टोनी स्कॉट के लंबे समय से प्रशंसक के रूप में उन्होंने कहा यह बस एक प्यारा प्यारा पहलू था क्योंकि मैं टोनी स्कॉट के दोनों सिनेमा को बहुत पसंद करता हूँ और मैं टोनी को इतना प्यार करता हूं कि यह उतना ही करीब है जैसा कि हम टोनी स्कॉट की एक और फिल्म देखने जा रहे हैं टोनी का सम्मान और प्यार हर फ्रेम में था यह लगभग हर निर्णय में था यह सचेत रूप से वही था लेकिन इस शानदार तरीके से वास्तव में सम्मानजनक था एक सौ बानवे रिडले स्कॉट टोनी के बड़े भाई और जिनके साथ क्रूज ने उन्नीस की फिल्म लीजेंड में काम किया था को मेवरिक के लिए एक निजी स्क्रीनिंग दी गई थी एक सौ तिरानवे एक सौ चौरानवे ब्रुखाइमर ने कहा सबसे अधिक हृदयस्पर्शी चीज़ों में से एक जो मैंने अनुभव किया वह है जब हमने टोनी के भाई रिडले को फिल्म दिखाई उन्होंने फिल्म के लिए उनकी प्रशंसा की और टॉम ने टोनी का सम्मान करने के लिए जिस तरह का ध्यान रखा वह प्रशंसनीय था पूरी फिल्म के दौरान यह हर किसी के दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण था हालांकि एलियन रोमुलस स्कॉट द्वारा निर्मित इथ के निर्देशक फेडे अलवारेज ने बाद में कहा कि स्कॉट के मन में मेवरिक के प्रति अधिक नकारात्मक भावनाएं थी अलवारेज ने कहा मैंने उनसे टॉप गन के बारे में पूछा और वह महकी तरह थे मुझे ऐसा लगा आप किस बारे में बात कर रहे हैं और वह ऐसा था मेरे भाई का मूल था और यह एह जैसा है वह वास्तव में इसका सम्मान करते थे लेकिन आप देख सकते थे कि वह कितने सख्त थे एक सौ तिरानवे एक सौ चौरानवे एक सौ पचानवे अमेरिकी सेना की भूमिका फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित और प्रभावित किया गया था ताकि अमेरिकी सेना को सकारात्मक रोशनी में पेश किया जा सके और भर्ती और प्रतिधारण में सहायता मिल सके पचहत्तर फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले अमेरिकी वायुसेना ने भर्ती विज्ञापन भी चलाए एक सौ छियानवे इसके चलते कुछ लोगों ने फिल्म को दुष्प्रचार कहकर इसकी आलोचना की एक सौ सत्तानवे एक सौ अट्ठानवे एक सौ निन्यानवे दो सौ प्रशंसा मुख्य लेख टॉप गन मेवरिक द्वारा प्राप्त प्रशंसाओं की सूची पचानवे वे अकादमी पुरस्कारों में टॉप गन मेवरिक को सर्वश्रेष्ठ चित्र सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा सर्वश्रेष्ठ मूल गीत सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए नामांकन प्राप्त हुआ और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का पुरस्कार जीता 201 फिल्म के अन्य नामांकनों में चार ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार दो सौ दो छह क्रिटिक्स च्वाइस मूवी पुरस्कार एक विजेता 203 और दो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है दो सौ चार इसे दो राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड पुरस्कार मिले और अमेरिकी फ़िल्म संस्थान द्वारा इसे 2022 की शीर्ष दस फिल्मों में से एक नामित किया गया 205 206 मुकदमा जून 2022 में इजरायली लेखक एहुद योने के परिवार ने जिन्होंने मई 1983 में कैलिफोर्निया लेक टॉप गन्स लिखा था जिसने पहली फिल्म को प्रेरित किया था ने टॉप गन मेवरिक की रिलीज पर कॉपीराइट उल्लंघन के लिए पैरामाउंट पर मुकदमा दायर किया और हरजाना भी मांगा फिल्म के वितरण के खिलाफ निषेधाज्ञा जेरी ब्रुखाइमर ने मूल फिल्म का निर्माण किया जिसकी पटकथा जिम कैश मृत्यु 2000 और जैक एप्स जूनियर द्वारा लिखी गई थी सभी तीन व्यक्तियों ने अगली कड़ी में भाग लिया 207 मुकदमे के अनुसार पैरामाउंट ने योने के लेख के लिए विशेष फिल्म अधिकार प्राप्त किए थे लेकिन 35 साल के कॉपीराइट कानून की अनदेखी की जिसमें 2012 में लेखक की मृत्यु के बाद जनवरी 2020 में अधिकार योने की विधवा शोष और बेटे युवल को वापस कर दिए गए 208 मुकदमे में दावा किया गया है कि मेवरिक में मूल लेख के समान तत्व शामिल है और कॉपीराइट समाप्ति की सूचना मिलने के बाद भी पैरामाउंट ने फिल्मांकन जारी रखा फिल्म वितरक मानते हैं कि अधिकांश सीक्वल इससे पहले ही पूरा हो चुका था और इस बात से इनकार करते हैं कि मेवरिक योने के लेख से लिया गया है 209-210 भविष्य मई 2022 में टेलर ने खुलासा किया कि वह पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए एक सीक्वल की पेशकश कर रहे थे जिसका अस्थाई शीर्षक टॉप गन रूस्टर होगा और उनके चरित्र पर केंद्रित होगा 211 उसी वर्ष जुलाई तक उन्होंने कहा कि सीक्वल के संबंध में क्रूज के साथ उनकी चर्चा चल रही है 212 जनवरी 2024 में यह बताया गया कि एक सीक्वल विकसित किया जा रहा है 213. यह भी देखें फिल्म पोर्टल बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के आधार पर फिल्म सीक्वल की सूची सैन डिएगो में मीडिया सेट की सूची सैन्य मनोरंजन परिसर सैन्य और मनोरंजन उद्योगों के बीच सहयोग अक्टूबर 2015 तक मैकवेरी ने दुष्टवन ए स्टार वार स्टोरी का पुनर्लेखन पूरा किया और कहानी को मजबूत करने में दो सप्ताह बिताए बाईस मैकक्वेरी और पटकथा लेखक डायलन कुस्मैन को टॉम क्रूज द्वारा द ममी के लिए एक नई पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था तेईस नवंबर 2015 में मैकक्वेरी ने पुष्टि की कि वह छठी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म लिखने और निर्देशित करने के लिए वापस आएंगे जो टॉम क्रूज के साथ उनका तीसरा निर्देशन सहयोग है 24 मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट नामक फिल्म 27 जुलाई 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी इसे आलोचकों से मज़बूत समीक्षा मिली और दुनिया भर में सात मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की जो फ्रेंचाइज का सबसे अधिक कमाई करने वाला खिताब बन गया 25 मैकक्वेरी और क्रूज ने टॉप गन मेवरिक पर फिर से सहयोग किया जिसके लिए मैकक्वेरी ने पटकथा का सह लेखन किया और फिल्म का निर्माण किया 26 शुरुआत में फ्रेंचाइजी में लौटने से झिझकते हुए 27 मैकक्वेरी ने जनवरी 2019 में मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन और आठवीं फिल्म लिखने और निर्देशित करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया पार्ट वन 12 जुलाई 2023 को रिलीज हुई थी जबकि आठवीं फिल्म है 23 मई 2025 को रिलीज होने वाली है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में बात करी तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में